सगत सिंह अपनी सेना के वो जनरल हुए हैं जिन्होंने 3 देशों को हराया है। सगत सिंह अपने राजस्थान के थे। 61 में अपना क्या, जब भारत आजाद हुआ तो भारत पे राज किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का राज। अंग्रेज खाली कर गए अपने देश को 1947। कब खाली कर गए? लेकिन गोवा अंग्रेजों के पास नहीं था, गोवा था पुर्तगालियों के पास, और पुर्तगाली खाली करके नहीं गए। पुर्तगालियों ने कहा हम तो रखेंगे गोवा को, इसलिए 1961 में हमने गोवा खाली करवाया पुर्तगालियों से। अच्छा, अंग्रेज चुपचाप खाली करके गए, अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई नहीं लड़ी, आंदोलन किए, शांतिपूर्ण आंदोलन किए, फाइनली अंग्रेज हमारे देश को खाली करके चले गए। पुर्तगाल को हमने कहा यार शांतिपूर्ण तरीके से कर दो, अंग्रेज खाली करके चले गए, इतना बड़ा खाली करके गए, तुम्हारे पास तो केवल गोवा है, क्या करोगे, रखो खाली कर दो। लेकिन पुर्तगाल नहीं माना तो हमने आर्मी उतारी, लड़ो जाके पुर्तगालियों से, और पुर्तगाल की सेना से लड़े। जो पुर्तगाल की आर्मी यहाँ पर रहती थी, वो जो कमांडर पुर्तगाल की सेना से लड़ा था, उस कमांडर का नाम है सगत सिंह। क्या नाम है? 36 घंटों के अंदर पणजी आजाद था, गोवा की राजधानी पणजी। पणजी 36 घंटों के अंदर तो हमने आजादी करवा लिया था। एक घटना है उनकी कि सगत सिंह जी गोवा जीत लेते हैं, गोवा भारत में मिल जाता है। गोवा जीतने के बाद एक दिन आगरा के एक होटल में जा रहे थे, घुस रहे थे, होटल में घुस रहे थे तो 5-7 गोरे खड़े, और गोरे उनको देख देख के बातें करे, पॉइंट आउट करके बातें करे। ये मेरी तरफ क्यों पॉइंट आउट करे? इतने में एक लंबा चौड़ा गोरा उनके पास आया, अमेरिकन थे वो सारे के सारे, और उसने आके कहा कि आर यू सगत सिंह? तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूं तो सगत सिंह, इंडियन आर्मी ऑफिसर। मैं हाँ इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ, पर मैं सिविल ड्रेस में हूँ, तुझे कैसे पता चला कि मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर हूँ? फिर नाम कैसे जानता? मुझे तो मेरे गाँव में सारे नहीं जानते भाई, मैं आर्मी का ऑफिसर गांव ही कम ही जाता हूं मैं तो यार। तो उन्होंने कहा कि हम अभी पुर्तगाल से आए हैं, तो पुर्तगाल के हर रेस्टोरेंट में, हर कैफे हाउस में आपकी तस्वीरें हैं और लिखा हुआ है जिंदा या मुर्दा, वांटेड। एकमात्र दुनिया का अफसर रहा होगा जिसकी दुश्मन ने वो तस्वीरें लगाई कि जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। आपने देखा कभी किसी पाकिस्तान के कमांडर का आपने तस्वीर लगी हो कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए? पुर्तगाल ने सगत सिंह के जिंदा या मुर्दा के पोस्टर लगाए। $10,000 का इनाम। कितने डॉलर मिलेंगे? और ये बात है 1961 की, मतलब आज के 50-60 साल पहले, तब तो $10,000 और भी कितना बढ़ा रहा होगा। तो सगत सिंह हंसे, और सगत सिंह ने हंस के उस अमेरिकन को कहा कि तो ले चलो $10,000 तो कमा लो। वो मुस्कुरा, उसने कहा जनरल हमारा वीजा खत्म हो गया है, वीजा यदि वापस पुर्तगाल का होता तो हम पूछते नहीं, उठा लेते हम। अच्छा, 62 में भारत चाइना से हार गया, सब जानते हैं, किसी बच्चे को पूछ लो जानता है 62 के अंदर हम चाइना से हारे, 62 में हम चाइना से हारे। और चाइना से हारने के बाद भारत का कॉन्फिडेंस इतना डाउन था, हमारे सैनिकों का मोरल इतना वो डाउन हो गया था कि हमें लगता कि चाइनीज तो भगवान जाने क्या ही है, और चाइनीज तो को 10-10 फुट के हैं, और वो तो भारत को कैसे भी हरा सकते हैं। 67 सगत सिंह की पोस्टिंग व्यू साइड में, सिक्किम, नाथुला। एक दर्रा पड़ता है नाथुला। कौन सा दर्रा है? नाथुला नाम का दर्रा पड़ता है। वहां 2 दर्रे हैं, एक दर्रे का नाम है जलेपला, एक का नाथुला। कौन कौन से 2 दर्रे? जलेपला और नाथुला। ला ला का मतलब होता है दर्रा, ला ला का मतलब ही क्या होता है? पास। पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, पास, पैसेज जो दिए जाते हैं ना, पास, तो ला, उनकी भाषा में ला का मतलब क्या है? दर्रा। नाथू ला मतलब नाथू दर्रा, जलेप ला मतलब जलेप दर्रा। 2 दर्रे हैं वहां पे। 65 में भारत की पाकिस्तान से लड़ाई होती है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 65 में। 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को लगा यार भारत अकेला तो भारी पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान ने चाइना को कहा। पाकिस्तान में एक राष्ट्रपति हुआ करते अयूब खान, क्या नाम था? अयूब खान गए चाइना गुपचुप रात को एक दिन चुपचाप, और चाइना वालों जाकर यार सहायता करो, अकेले तो पार नहीं पड़ेगी, भारत तो ठोक रहा है यार, उधर से मार रहा है हमको। इसलिए चाइना ने अपने पे दबाव बनाया, और चाइना ने कहा दोनों दर्रे खाली करो रे, नाथुला और जलेपला खाली करो। और तब अपने को भी लगा कि यार इधर पाकिस्तान से पंगा चल रहा है, इधर इनसे पंगा चलेगा, और कहीं चाइना ने हमला कर दिया तो अपने और दिक्कत हो जाएगी, और अपन ने कहा कि दर्रे खाली करेंगे। जलेपला खाली कर दिया, नाथुला खाली करने के बारे तो नाथुला में पोस्टिंग सगत सिंह की। सगत सिंह ने मना कर दिया कि नहीं कर रहा। जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कैसे नहीं कर रहे, करना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर है, नहीं मान रहा, नाथुला खाली नहीं होगा। और इस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी चौकी पे, पोस्ट पे जो कमांडर होगा वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा करना है कि नहीं करना। आपने ऑर्डर दिया, लेकिन मैं मेरा ऑर्डर मानता हूं और मैं नाथुला खाली क्यों नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा सर नाथुला के अंदर बैठ के पूरा चीन दिखता है, चीन में घाटी यातुंग घाटी, कौन सी घाटी है? यातुंग घाटी नाथुला में बैठ के पूरी दिखती है। नाथुला ऊंचा है, चीन नीचा है, तो कभी लड़ाई होगी तो जो ऊंचा होगा वो हमेशा फायदे में रहेगा, नीचे वालों पे कैसे गोलियां मारी जा सकती है। फिर तिब्बत जाने का रास्ता यहीं से है, ट्रेड रूट है, ये खाली कैसे कर सकते हैं सर? ये खाली नहीं करेंगे अपने, इसलिए 65 में सगत सिंह अड़के बैठ गए कि मैं नाथुला खाली नहीं करूंगा, नाथुला में बैठे रहे। अब आया 67, एकदम बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर पे उस साइड में खड़े रहते चाइना के फौजी, इस साइड में खड़े रहते इंडिया के फौजी, और डेली चाइना वाले आके इंडिया वालों को गालियां निकालते। ये तो चाइना वाले एक लाउड स्पीकर लेके आए और लाउड स्पीकर के अंदर सारा दिन गालियां चलाते और इंडिया वालों को देख गालियां, देख गालियां एकदम। और इंडिया वाले उन डरे वैसे हो रहे थे यार चाइना से लड़ाई होगी फिर हार जाएंगे, चाइना से लड़ाई होगी फिर हार जाएंगे। और सुबह सुबह कई बार तो इंडिया वाले जब वहां पे भाई फौजी खड़े रहते बाउंड्री पर, एकदम फौजी खड़ा, चाइना वाला आया आगे धक्का मार दिया, क्यों खड़ा है इधर, उधर चला जा, धक्के मारने शुरू कर दिए। अपने वाले वापस एक दो किसी के धक्के मारते, गोली वोली कुछ ही नहीं, धक्के वाला काम दिल्ली होता। दिल्ली एक दूसरे को धक्के मारते, गालियां निकालते एक दूसरे को, धक्के मारते एक दूसरे की तरफ, वो लाउड स्पीकर से घोषणाएं करते एक दूसरे के खिलाफ, गाने चला देते जोर जोर से उधर वालों को डिस्टर्ब करने के लिए। एक दिन सगत सिंह लगा यार दिल्ली की चिक 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 है, क्या तरीका है, तो तारबंदी कर देते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पे? तो तारबंदी शुरू की। अपने सेकंड ग्रेनेडियर थी कैसी कोई थी, कर्नल राय सिंह थे, तो कर्नल राय सिंह को उनका आगे तारबंदी कराओ और कर्नल साहब आप बंकर के अंदर ही रहना और बाहर मत निकलना, और तो मामला बिगड़ जाए तो देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने में भाई वो तारबंदी कर रहे थे, चाइना वालों ने आका तारबंदी नहीं करने देंगे, हम हमारी बाउंड्री में तारबंदी कर रहे हैं, तुम्हारे क्या लेने देना, नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। और वहां पर उनके बीच में तू-तू में भी किसी इंडियन एक फौजी था, उसने कोई चीन वाला जो अफसर था उसको धक्का मार दिया, धक्का मार उसकी टोपी वोपी गिर गई, चाइना वालों को गुस्सा आया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के अंदर अपने कर्नल साहब की गोली लग गई। सेना के अंदर अफसर की गोली लग जाती है ना तो फौजी बावड़ा हो जाता है, साहब की कुछ ही नहीं होना चाहिए, और भले कुछ ही हो जाए। तो फौजी बाहर आ गए निकल के, और बाहर आके उन्होंने चीन वालों पे गोलियां चलाने शुरू की, लेकिन चीन वाले बैठे बंकर में, अपने वाले बैठे बाहर, इसलिए उस पहले दिन वाली के अंदर अपने वाले सैनिक ज्यादा मरे। तो सगत सिंह को लगा नहीं यार ये तो मामला गंभीर होता जा रहा है, तो सगत सिंह ने कहा कि नीचे से मशीन गन मंगाओ, छोटी छोटी तोपें, मीडियम साइज आर्टिलरी मंगवाई जाए। अच्छा उस समय आर्टिलरी से फायरिंग करनी है, मतलब तोप से फायरिंग करनी है, यह अनुमति प्रधानमंत्री देगा। सगत सिंह का प्रधानमंत्री की आएगी तब की तब देखेंगे, चलाओ एक बार। तो 3 दिन के वो जो 1962 वाला युद्ध ना वो 1 महीने चला। कितने महीने चला? 1 महीने। उसमें चीन के फौजी मरे थे 700। कितने मरे थे? अपने तो ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी पर चीन के भी कितने फौजी मरे थे? 700। लड़ाई होगी तो ज्यादा होगी, और लड़ाई में हार जीत का मतलब ये होता है अपने मर गए 3000, उनके मरे 700, तो अपने कहते अपने हार गए वो जीत गए। 1-1.5 महीने की लड़ाई में, और वो लड़ाई देख लो अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई और ठेठ ऊपर लद्दाख तक पूरे उस बाउंड्री पर थी। और इस पूरी लड़ाई में चाइना के फौजी कितने मरे? 700। इस बार सगत सिंह ने 67 में नाथुला में वापस शुरू की। 3 दिन की लड़ाई है। कितने दिन की लड़ाई है? चाइना के मरे 350, अपने 55 लोग की तीसरी कैजुअलिटी है। तो 3 दिन में 350, 1 महीने में 700, तो नाथुला बड़ा है अपने आप में। पर हम जानते ही नहीं कि हमने 67 के अंदर चाइना को घर में घुस के मारा और अपने सैनिकों को घुस जाओ, इस बाउंड्री में घुस जाओ। इसलिए अपने जो 50-60 जवान शहीद हुए थे उन सब की लाशें मिली चाइना में। अच्छा हर देश यही कहता है कि भाई हमला हमने शुरू नहीं किया था, इन्होंने किया था। तो अपन ने भी कहा कि हमने हमला शुरू नहीं किया, हमला किसने किया? और ये हमारी बाउंड्री में घुस गए। तो चाइना वालों ने कहा कि यदि हम तुम्हारी बाउंड्री में घुसे थे तो तुम्हारी बाउंड्री में एक भी लाश दिखा दो, और यदि तुम हमारी बाउंड्री में नहीं घुसे तो तुम्हारी 50 लाशें हमारी तरफ कैसे है? इसका मतलब तुमने घर में घुस के मारा है। हमने कहा मारा तो है पर अब कहें कैसे, अब जो हो गया वो हो गया। तो 67 हम नाथुला जीतते हैं, चाइना को घर में घुस के मारा हमने 67 में नाथुला में। इस घटना के ऊपर एक मूवी बनी हुई है पल्टन। हाँ पल्टन जैकेश्रॉफ जो वाला जो रोल है वो सगत सिंह है, हालांकि उसमें तो बहुत फर्जी रोल किया हुआ है। सगत सिंह बहुत शानदार कमांडर हुए थे। 2 लड़ाइया 62, 61 पुर्तगाल गोवा, 67 नाथुला चाइना। अब आया 71 इधर बांग्लादेश, इधर वाला लफड़ा चले, बांग्लादेश वाला लफड़ा चले पाकिस्तान के साथ में। अच्छा हुआ क्या, पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, पार्टीशन जब हुआ तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, एक हो गया पूर्वी। ये दिन मैंने थोड़ी पहले दिन ही एक दिन बातें बताई थी। पश्चिमी पाकिस्तान वाले रोब करते, पूर्वी पाकिस्तान वालों को कुछ भी गांठते नहीं थे। भाषा को लेकर लड़ाई शुरू हुई, बांग्ला भाषा को लेकर लड़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे इन्होंने कहा, पहले तो कहा बांग्ला भाषा को मान्यता दो और फिर कहो हम तो बांग्लादेश बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान वालों का राष्ट्रपति हुआ करता याह्या खान, कौन था? और याह्या खान ने अपने एक सेनापति को भेजा, जनरल टिक्का, किसको भेजा? जनरल टिक्का खान को भेजा। जनरल टिक्का खान को खुद पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को जागे, और भाई जनरल टिक्का खान को कहते हैं बलूचिस्तान का कसाई। क्या बोलते हैं कि उसने बलूचिस्तान में कूटा था लोगों को, वहां का मारता था लोगों को। इस बार उस कसाई को कहां पर भेज दिया? बांग्लादेश। और घर में घुस घुस के लोगों को मारना शुरू किया, महिलाओं को रेप किए, लोगों को मारा वहां से। इसलिए बांग्लादेशी भाग भाग के इंडिया है, बांग्लादेशी भाग भाग के कारण शुरू है इंडिया। अब इंडिया ने इस बात का हो हल्ला मचाया और इंडिया ने कहा हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, हम तो नहीं करना चाहते पर क्या करें, इतने सारे लोग आ रहे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ। और हमने कहा हम एक्शन बांग्लादेश वालों की सहायता के लिए ले रहे हैं, हम हमारी तरफ से कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, बांग्लादेश वाले लड़ाई करेंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे। पर यह सब झूठ था, बांग्लादेश कहां से लड़ता, हम ही लड़ रहे थे, डायरेक्टली लड़ रहे थे, ढंग से लड़ रहे थे। और इस बार फिर सगत सिंह को भेजा गया, ऊपर कमांडर हुआ करते अपने ईस्टर्न कोर जो है उसके कमांडर थे जगजीत सिंह अरोड़ा, कौन थे? जग्गी, जग्गी अपने कमांडर। और जग्गी ने कहा कि सगत तुम जाओ, और ढाका के पास से एक नदी निकलती है मेघना, कौन सी नदी है? तुम मेघना पहुंच जाओ, मेघना तक पहुंच के मुझे बताना कि क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो टाइम दिया था भाई सुबह 10 बजे तक आपको मेघना पहुंचना है। ये मेघना पहुंच गए कोई 7:30 8 बजे, तो इन्होंने कहा 2 घंटे पड़े क्या करें, तो कहा मेघना क्रॉस कर लो। तो मेघना क्रॉस कर ली, मेघना क्रॉस करते आगे तो ढाका आ गया, तो ढाका में घुस गए, ढाका पे कब्जा कर लिया। ढाका पे कब्जा करके इन्होंने 10 बजे जग्गी को फोन किया कि जग्गी अब जग्गी को गुस्सा आया और जग्गी को लगा यार मैंने तो ऑर्डर दिया ही नहीं और आप पहले कैसे घुस गए, और जग्गी ने कहा बात गलत है, और मैंने जब कहा था मेघना के इधर रहना तो मेघना के उधर क्यों गए, और मैं कहूंगा तुम अभी भी वापस आओ तो मेघना क्रॉस नहीं कर सकते। सगत ने वापस वहां से आदेश, सगत सिंह ने वापस वहां से कहा कि जग्गी मेघना क्रॉस नहीं किया, मैं ढाका घुस गया, केवल क्रॉस थोड़ी किया, मैं ढाका में हूं और ढाका जीत लिया हमने, ढाका पे कब्जा है हमारा, पाकिस्तान वाले सरेंडर करने वाले हैं। और जग्गी ने कहा कि नहीं तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो वो बहुत फेमस डायलॉग है, वो आप फोन पे बात कर रहे थे, फोन पटकते वापस कर देगा ओवर माई डेड बॉडी, मेरे लाश पे से ही वापस आएंगे, वापस तो मेरे फौजी नहीं है। तो जग्गी ने कहा तो कहा या प्रधानमंत्री कह देगी देश की वापस आना है तो वापस आ जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री हाउस अपना दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के अंदर पीएम मीटिंग ले रही है। इंदिरा गांधी बहुत वो सख्त महिला थी कि मतलब इंदिरा गांधी कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, एकदम सीरियस, एकदम सीरियस रहा करती थी। और ये है भी, महिला जब भी नेता बनेगी सख्ती होगी, ऐसा जरूरी भी है, वरना आसपास के लोग जीने नहीं दे, इसलिए महिलाओं को थोड़ा सख्ती रखना सा जरूरी होता भी है। इसलिए इंदिरा गांधी बहुत सख्त, इंदिरा गांधी हंसती हंसती नहीं थी और लोग दूसते थे इंदिरा गांधी से, और इंदिरा गांधी वहां पर बैठी हुई। और इतने में अपने उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे जगजीवन राम, कौन थे? बताई थी मैंने ये बातें दिन पहले, नहीं बताई। और उस समय अपने विदेश मंत्री हुआ करते सरदार सुवर्ण सिंह, कौन थे? पहले न्यूज आती है सरदार सुवर्ण सिंह के पास, मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग के अंदर उनके पास एक पर्ची आती है, उस पर लिखा हुआ है कि ढाका जीत गए। विदेश मंत्री को तो पता चले कि विदेश का हिस्सा जीत लिया, तो विदेश मंत्री अचानक मीटिंग ले रहा था और विदेश सीरियस हो जीत गए, मतलब यार ये तो प्लान ही नहीं था ऐसा कुछ। तो अपना तो प्लान था कि मेघना के पास जाके रुक जाएंगे, फिर यूएन आएंगे, वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने बाबू जगजीवन राम को पर्ची दी, बाबू जगजीवन राम का गिए, बाबू जगजीवन राम भागते हुए गए पीएम जहां बैठती, पीएम के सामने अफसर बैठते, किसी अफसर को पर्ची पकड़ा कि पीएम को दे। और भाई पीएम गुस्सा होगी कि मेरे से बिना पूछे कैसे क्या कर लिया, पीएम को दी। मैम का चश्मा नाक पे रहता था, मैम तो चश्मा उनसा गया, देखा उसे। कहते इंदिरा गांधी को एक ही बार लोगों ने हंसते नहीं नाचते देखा था। इंदिरा गांधी बाहर उस गैलरी के अंदर दौड़ रही थी, ढाका कनकड़ ढाका कनकड़। 16 दिसंबर 1971 हम ढाका जीत चुके थे। आज दिन तक का दुनिया का इतिहास है कि 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके थे कि दूध खाई काली गाय है तुम्हारी, हम लड़ाई नहीं करेंगे। और ऊपर से अब जग्गी को ऑर्डर गया कि जग्गी जाओ सरेंडर करवाओ, पाकिस्तान सरेंडर के लिए तैयार है। तो जग्गी जाते हैं सरेंडर करवाने के लिए। बहुत फेमस फोटो कभी आप देखना, एक फोटो, एक मेज है, उस मेज पर इधर बैठे हैं जग्गी, है ना, जग्गी बैठे हैं, जग्गी के पास में पाकिस्तान के कमांडर बैठे हैं नियाजी, कौन बैठे हुए? नियाजी, जनरल नियाजी बैठा हुआ उनके पास में। और नियाजी जाते हैं, नियाजी